अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज हमवतनों, आज जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ आज मैं सोफ़ों को अपने पोशिश करवा रही हूँ। आई कुड नॉट मेक अ लॉट ऑफ वीडियो टुडे क्योंकि मेरे सुबह से ना ऑनलाइन सेशंस थे, उनसे अभी फारिग हुई हूँ और मैं आपको सोफ़ास का भी थोड़ा थोड़ा सी मैंने वीडियोज़ बनाई हैं, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। हालांकि आई रियली वॉन्टेड टू मेक इट, वो वाला नहीं, वो तो स्नैप होता है बिफोर एंड आफ्टर वाला, मगर आई जस्ट कुडंट डू इट। एक जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ जो बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, जो हमेशा ये लोग मेरे लिए कर देते हैं, इन पे मैं बहुत अरसे से ट्रस्ट करती हूँ, बहुत पुराने मेरे साथ चलते रहे हैं ये, बहुत सारे घरों में इन्होंने मेरे फर्नीचर पर्दे वगैरह बनाए। रब नवाज साहब कितने अरसे से ये काम कर रहे हैं? अठारह साल। और शुरू कहाँ से किया था? सदर से प्राइवेट शॉप्स पे। अच्छा, पहले शागिर्दी की और फिर अच्छा ठीक है, हाथ साफ होता चला गया। अच्छा तो अच्छा मुनाफा बख्श तो है अभी भी, यानी पूरा साल चलता है ये वाला काम ना? अल्लाह का शुक्र है, एहसान है। शक्ल निकलना शुरू हो गई है, गुड। ज़रा लाइट है मगर अब बच्चे तो बड़े हो गए हैं, मगर पता नहीं होता ना कि मुझे, यानी सबसे ज़्यादा जो है वो डर यही होता है कि एक तो बिल्लियाँ कुछ ना गिरा दें, वो ख़राब ना कर दें कपड़ा, कुछ गिर गया तो साफ़ करना मुश्किल। बहुत अच्छा कलर आया इसमें। मेरे पास पेटी थी किसी ज़माने में और बाद में मैंने इसके नीचे पहिए लगवा लिए स्टोरेज के लिए, सामान के लिए। अगर आजकल आप लोग देख रहे हैं ना कि जब बहुत सारी इस तरह के डब्बे बन रहे हैं, यानी बॉक्सेस हैं ये स्टोरेज के लिए, और इसके ऊपर वो कुशनिंग वाली सीट बन जाती है। आपको याद होगा मैंने सोफ़े वाली वीडियो में भी आपको दिखाया था, बहुत ज़्यादा आजकल फैशन में और हर में है, हर घर में ऑलमोस्ट आपको मिल जाता है। तो आई वाज थिंकिंग, मैंने इनको दिखाया कि ये इसमें हो सकता है या नहीं, उन्होंने कहा बिल्कुल हो सकता है। तो अभी हम इसके लिए फोम लेके आएंगे, कपड़ा जो है मैनेज हो गया है उसी कपड़े में से जो सोफ़ों के लिए आया था, एंड लेट्स सी कि व्हाट दिस टर्न्स इनटू।
खुद ही देखें। सीलिंग में सुराख नहीं होता, सीलिंग सारी नीचे आ जाती है। तो ये क्या बीम है या बीम है? हाँ सही है, जिसके ऊपर ये छत खड़ा हुआ है ना, ये वो है। अच्छा ठीक है, ठीक हो गया जी। कितने अरसे से काम कर रहे हैं ये वाला? जी मैं लगभग 8-10 साल हो गए। सीखना पड़ता है? जी जी। कहाँ से? यहीं से ही। यानी जो साजी होते हैं ना उनसे। अच्छा जी जी। तो ये बारी के सिर्फ लगाने का काम आप कर लेते हैं या बना भी लेते हैं? ये बना भी लेते हैं, फुल बना भी लेते हैं। फुल बना लेते हैं। दो साल लगे काम सीखने में? जी जी। पूरा जी। तो अब यानी नाप से लेकर बुनाई तक और इसकी सब कुछ फिटिंग वगैरह बनाना है इसको। गुड, लगा लेते हैं। वेरी गुड।